7,000 रुपया पर मीटिंग आपको हम देंगे। वो फलाना लड़की हिंदू की वहाँ निकाह करके हमें मर्द चाहिए पूरे पाकिस्तान से, और 7,000 रुपया पर मीटिंग आपको हम देंगे। वो फलाना लड़की हिंदू की वहाँ निकाह करके गई, शादी करके गई, धर्म परिवर्तन किया, लेकिन उस लड़की का बलात्कार तो उसके देवर से करवा दिया, और जो पत्नी है वो पैर पकड़ रही थी, जो उसकी पहली वाली बीवी थी, कॉन्ट्रैक्ट बीवी, उसके लड़की के, हिंदू लड़की के पैर पकड़ रही थी, अपने शौहर से बलात्कार करवा रही थी, अपने देवर से करवा रही थी, अपने जेठ से करवा रही थी, अपने ससुर से, सौरे से करवा रही थी। आज आपको पता चला कि वो एक्चुअली एक ग्रुप हलाला उसका एक उसको सजा के तौर पे करवाया जाता है, वो जायज है। तो हिंदू लड़कियां ये समझ लीजिए कि जो आपके साथ, आप जो कहती है ना मेरे साथ उसके अब्बू ने भी करा, उसके भाई ने भी करा, तो ये आपके लिए गलत है, उनके लिए गलत नहीं है, उनका निजी मामला है। तो अब इनके जो अब्बू हैं, कुछ दिनों इनके साथ हमबिस्तरी करने के बाद, सोने के बाद, उनको यूज करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद, जब उन्हें लगता है थोड़ी चीज पुरानी हो गई है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जब उनका दिल थोड़ा भर जाता है, तो वो इनका हलाला, वो भी दो टाइप से, आपको आज तक एक हलाला पता होगा, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो हलाला बताने जा रही हूँ, जो मेरे लिए कुछ शॉकिंग था। वो दो तरीके से हलाला उन्होंने करा, पहला तो घर उनका हलाला कर दिया, उसके बाद कितनी बार उनका हलाला हुआ ना जाने, उसके बाद उनका ग्रुप हलाला किया गया। ग्रुप हलाला यानी कि ये ग्रुप हलाला जो होता है, आज आपको जानना बहुत जरूरी है, ग्रुप हलाला रिश्तेदारों के बीच में होता है, चाहे वो दूर के हों या पास के, घर के अंदर का मामला इसे माना जाता है। हमारे क्योंकि ये मजहब में लिखा हुआ है तो यह प्रथा चली हुई आ रही है, तो इसको हम, इसको जो हमारे वहां की औरतें हैं, इसको इस्लाम का जाति मामला मानकर करते रहते हैं। इसकी जड़ जो है, गंदगी की जड़, ये मजहब है, ये लड़की कह रही है, हाँ, क्योंकि कई लोगों को मिर्ची लग जाएगी, इसकी इस गंदगी की जड़ है कि हमारा मजहब इस्लाम, और इसलिए इसी कारण से कई लड़कियों ने ये मजहब छोड़ दिया है, ये इस्लाम छोड़ दिया है। हलाला जैसे कुप्रथा से परेशान होकर बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां हिंदू धर्म अपना रही है, देखो यह वीडियो। जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और तीन बार बोल के उसको छोड़ देते, तीन चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए।